नमस्कार साथियों, मैं विकास भाई के खेत में खड़ा हूँ। और विकास भाई की हमने पहले भी 3-4 वीडियो डाली हैं, यानी कि मेड़ विधि से जो नरमे की बुआई, मेड़ विधि में नरमे की हलवा या सिलर निकालते हुए, फिर पानी की, फिर नरमे की ग्रोथ कैसी थी। और आज हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके थे। हालांकि हमने वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि विकास भाई की पूरी सीरीज कवर करेंगे, तो आज जो फाइनल स्टेज है वो ये है कि इसकी 2 बार चुगाई हो चुकी है और 3री चुगाई में भी हल्की फुल्की जो बचत है वो निकालनी बाकी है। तो विकास भाई, आप मेरे को ये बताओ कि आपने पूरी फसल लगभग 90% तो ले ली। हाँ, 90%। तो 10% बची है आपका मेड़ विधि से नरमे का रुझान और क्या रिजल्ट रहा? मेरा तो बढ़िया है, इससे मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार अगली बार भी मेड़ विधि से बोऊंगा। मेड़ विधि से भी बोओगे? कड़क सरसों भी मेड़ विधि से बोऊंगा। तो अभी आपने सरसों भी मेड़ विधि से बो रखी है, मैं मेरे साथियों को वो भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन बहुत से किसान साथियों के मन में ये था कि जो खालियां हैं वो डह जाएंगी या नरमा गिर जाएगा, नरमा हाइट ज्यादा लेगा तो फिर क्या कि नरमा गिरने की समस्याएं आएगी। आपने इस नरमे की हाइट ना अधिक ले इसलिए आपने इसकी कटिंग भी करवाई थी ऊपर से। हाँ, करवाई थी। तो और फिर भी आज नरमा जो अपना 6 फीट की प्लस हाइट का है, और फिर भी गिरा नहीं, मतलब मेड़ मूड सारा एक्यूरेट सही है। तो उत्पादन की बात करूं तो अपने अड़ोस पड़ोस में गांव में जिन लोगों की कॉटन की फसल इस बार लगा रखी है, उनसे आपकी फसल ठीक है या उनके एवरेज है? नहीं, उनसे ठीक है। उनसे ठीक है, उनसे मान लो 1 क्विंटल प्लस ही है। 1 क्विंटल प्लस ही है। हाँ। और पानी की बचत भी हुई? हाँ, पानी की बचत। और मेहनत लेबर में उसमें क्या रहा आपको? क्या मेहनत तो क्या है, कुछ नहीं है, स्प्रे तो हर जमींदार करता ही है। ठीक है, और क्या है? ठीक है। और एक बार स्प्रे की थी वो अपने नालियों के अंदर, अपने ये हर्बिसाइड। ठीक है, वो नाली नाली में की आपने? बस नाली नाली के। ठीक है। तो मैं मेरे दर्शकों से बताना चाहूंगा कि भाई जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं, कॉटन इसकी जो ब्रांच भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नीचे से प्रॉपरली इसकी जो ब्रांच है वो चली हुई है। और ये पौधा ऊपर से विकास भाई ने इसको यहाँ से काटा था, जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं इसकी जो ये टहनियाँ है यहाँ से काट दिया। यहाँ से काटने के बाद ये नीचे की जो टहनियाँ हैं वो ज़्यादा फुटान कर गई, और आज की तारीख में बात करूँ तो इसकी हाइट है वो तकरीबन 6.75 फीट है। तो विकास भाई, आपने टोटल ये नरमा है वो कितने बीघे में इसमें मेड़ विधि से लगाया था? अभी सरसों आपने मेड़ विधि से कितनी लगा दी? सरसों तो 4 बीघा जमीन वेली थी मेरे पास, उसके अंदर लगा दी मैंने। ठीक है। नरमा सारा मेरे 4 बीघा गाजर है। ठीक है। 55 बीघा में नरमा है। 55 बीघा में नरमा आपका, और 55 बीघा के अंदर 6 की औसत आएगी। 6 की एवरेज आ जाएगी। हाँ। तो कम नहीं है 6? मेरे को लग रहा कम है। नहीं, मेरे लिए तो कम नहीं है। अगर मैं मेरे वैसे बोता 55 बीघा अपने जितने पानी के अंदर, तो मैं हदबद 15 बीघा बीज सकता था। ठीक है। 15 बीघा अगर 10 क्विंटल करोगे ना आप बीघे का। हाँ। तो वो 150 क्विंटल होगा। ठीक मैंने है। 300 क्विंटल उत्पादन लिए। 300 क्विंटल लिए, और फिर भी गांव वालों से आपका उत्पादन पर एकड़ पर बीघे का भी एवरेज में ज्यादा है? क्योंकि यहाँ इस गांव में आपने बताया कि जैसे 5-6 क्विंटल प्लस वाले किसान है ही नहीं, या कोई इक्का दुक्का किसान है, उसके 2-4 बीघा कम जमीन वाला किसान हो सकता है, वो अलग बात है। बारिश भी ज्यादा थी, अब बारिश के कारण थी, दोबारा देखो कितना हरा खड़ा है। ठीक है। पता नहीं लग रहा है ये चुगाई की है, चुगाई की है कि नहीं की है। मतलब आज की तारीख अगर बात करूं तो पौधे बिल्कुल एकदम हरे प्रॉपर खड़े हैं, कोई भी पौधा ये नहीं है कि पकने की स्थिति में है। तो इसमें कोई स्प्रे भी आपने की नरमे में डिंडे पकने के लिए? ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं की। तो जो आपने मेड़ विधि से जो बिजाई की है उसकी मशीन की क्या कॉस्ट बताई आपने? लगभग 90,000 है। लगभग 90,000 रुपये है। और उस मशीन से अपने क्या क्या बुआई कर सकते हैं? सभी चीज है, मैं तो कणक भी बोऊंगा, दिखा दूंगा आप। ठीक है। और सरसों अपने बोई रखे हैं, वो आगे अपने वीडियो में दिखाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विकास भाई ने भाई नरमा बोया था, जिसकी हमने नरमे की बुआई की, फिर सिलर की, फिर खेत पानी सारी चीजें हमने वीडियो टाइम टू टाइम हम कवर करते रहे हैं। और आज भी मैं आपको विकास भाई का जो खेत है वो दिखाना चाहूँगा, यानी कि नीचे जो कचरा है वो ज़्यादा आप देख पा रहे हैं नहीं है, और जो खाड़ियाँ की जो स्थिति है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट पड़ी है भाई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं खाड़ियाँ भी आज की तारीख की बात करूँ तो सही है, और जो नरमे की जो पौधे हैं वो भी एकदम एक्यूरेट सही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधारण जो अपने फ्लड विधि से लगाते हैं उससे ठीक लगा, इसीलिए हम बारी बारी विकास भाई की खेत की वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग भी पानी की बचत कर सकें और आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन और अच्छी खेती कर सकें। तो आगे चलते हैं सरसों के खेत में। तो आपने जैसे इसकी बुआई करके फिर पानी क्यों लगाया? अभी तक इसमें पानी की जरूरत नहीं थी। पानी वगैरह तो इसका जर्मिनेशन। अच्छा, मतलब आपने सूखे में इसकी बुआई की है?